दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपको हम स्वागत कर रहे हैं अपने न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बताते चले आपको कि दलसिंहसराय में ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। यह खबर समस्तीपुर बरौनी रेलखंड पर बुधवार को यानी कि कल ट्रेन के चपेट में आने से वृद्ध की दर्दनाक मौत हो घटनास्थल पर ही हो गई थी। मामला दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन के संपार संख्या 30C व 31C के बीच डाउन लाइन पर घटी, जहां अज्ञात ट्रेन की चपेट में आकर 50 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के लुंगी व गंजी पहन रखने की वजह से पहचान नहीं हो सकी। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लेकिन किसी ने भी उनकी शिनाख्त नहीं किया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन को दिया। दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन से मिली जानकारी के बाद सोनपुर रेल मंडल के DSCR SEE ने इसकी जानकारी स्थानीय रेल पुलिस को दिया। सूचना मिलने के बाद RPF पोस्ट प्रभारी धनंजय कुमार ऑन ड्यूटी स्टाफ के साथ स्टेशन मास्टर से मेमो प्राप्त कर घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि 50 वर्षीय पुरुष जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है, जो देखने से मृत प्रतीत हो रहा था। इसके बाद कीमन रामेश्वर पंडित द्वारा मृतक के शरीर को डाउन लाइन ट्रैक से बाहर किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद GRP के ASI करमवीर सिंह सदलबल मौके पर पहुंचकर GRP समस्तीपुर के SHO को मोबाइल पर सूचित करते हुए शव को उठाने के लिए कर्मी व एम्बुलेंस की मांग किया। रेल पुलिस ने मृतक की पहचान को लेकर शव की जांच किया तो ना कोई टिकट मिला और ना ही उसकी शिनाख्त हो सकी। रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई के लिए GRP कार्यालय समस्तीपुर भेज दिया, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस संबंध में RPF पोस्ट प्रभारी धनंजय कुमार ने बताया कि घटना को लेकर किसी भी गाड़ी का परिचालन बाधित नहीं हुआ है। शव की पहचान के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा। अगर आप इस प्रकार का न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को